Assalamualaikum everyone, मैं हूं राबे एंड यू आर वॉचिंग एसेंशियल लाइफ। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल के बारे में। अच्छा, हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए मार्केट के प्रोडक्ट्स के ऊपर यकीन नहीं रखते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और ये सच भी है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में कोकोनट ऑयल से बढ़कर अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ की बात हो, इंक्लूडिंग वेट लॉस, चाहे आपके बालों की खूबसूरती की बात हो, आपकी जिल्द की खूबसूरती की बात हो, डार्क सर्कल्स की बात हो, चैप्ड लिप्स की बात हो, या आपकी बॉडी की मॉइस्चराइजेशन की बात हो, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। सो गाइज, आज की वीडियो में हम कोकोनट ऑयल के यूजेस और इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे। बट सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को हिट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करें। क्योंकि ये MCT ऑयल है तो ये फैट बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, ये इजी टू डाइजेस्ट है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, इससे कैलोरीज बर्न होती हैं, आपका जो हार्मफुल फैट होता है स्पेशली एब्डोमिनल का जो फैट होता है उसको ब्लास्ट कर देता है। फिर ये आपके हंगर को, आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है। वज़न कम करने के लिए या तो आप 1 से 2 छोटे चम्मच दिन में इसके पी सकते हैं, या फिर आप अपनी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या टी बना सकते हो। आप अपनी ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी में इसका 1 चम्मच जो है वो ऐड कर सकते हो, और दिन में 2 टाइम आप इस ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी को पियोगे। और साथ में अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करते हो, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, तो 1 माह में आप 5 किलो अपना वज़न कम कर सकते हो। कोकोनट ऑयल के अगर हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर बात की जाए तो ये हार्मफुल बैक्टीरियाज, फंगस, जर्म्स को किल करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, UTI को ट्रीट करता है, किडनी के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, आपके ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, आपके मसल्स को बिल्डअप करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अंदर हाई लेवल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। फिर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, ये उसको इंक्रीज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोकोनट ऑयल हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है, कीटो डाइट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसको ओमेगा 3 के साथ कंबाइन करके लेते हो तो आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन की बेटरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको फ्लैक्सीड ऑयल के साथ कंबाइन करके ले सकते हो, या आप इसको चिया सीड्स के साथ ऐड करके ले सकते हो। गाइस, कोकोनट ऑयल एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेली बेसिस पर इससे अपनी स्किन का मसाज करते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फर्म, रिंकल फ्री, यूथफुल लुकिंग और ग्लोई हो जाती है। ये 24 घंटे तक आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई होता है जो फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर एंटीमिक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो कि एक्ने और पिंपल्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। कोकोनट ऑयल प्री मैच्योर एजिंग में भी हेल्प करता है, जो पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या सन डैमेज की वजह से आपको एज से पहले एजिंग आ जाती है, तो ये उसको रिड्यूस कर देता है। ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को, स्कार्स को, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स को, बर्न मार्क्स को जो है वो फेड करने में हेल्प करता है। दांतों के बहुत से प्रॉब्लम्स को कोकोनट ऑयल फिक्स करता है। लोग कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करते हैं, इसमें 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के अपने मुंह में डालने होते हैं और फिर इस ऑयल को घुमाना होता है, यानी कि स्विशिंग करनी होती है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, और 5 से 10 मिनट तक ऑयल पुलिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि आपके दांत मजबूत होते हैं, सफ़ेद होते हैं, चमकदार होते हैं, दांतों पर किसी किस्म का कोई स्टेन होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, दांतों से अगर कोई बदबू आ रही है तो वो चली जाती है, इसमें दांतों के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। 5 से 10 मिनट तक ऑयल पुलिंग करने के बाद इस ऑयल को स्पिट आउट कर दिया जाता है, यानी कि थूक दिया जाता है। गाइस, कोकोनट ऑयल हमारे रूखे सूखे, बेजान, बेरौनक बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारे स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बालों में अगर डैंड्रफ है, इचिंग है तो उसको प्रिवेंट करता है, बालों को लस्टर, सॉफ्ट, शाइनी बनाता है, लंबे घने मजबूत होते हैं बाल कोकोनट ऑयल का मसाज करने से, और ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके हेयर ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है, आपके स्पिटेंट्स को रिमूव करता है, और बालों को लंबा बनाता है। कोकोनट ऑयल क्योंकि स्किन को लाइटन अप करता है तो हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं ये उनको प्रिवेंट करता है, और जब हम अपनी आँखों के गिर्द इससे मसाज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि आँखों की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पतली होती है, और इनमें कोई ऑयल ग्लैंड नहीं होता, तो इस वजह से रिंकल्स और लाइन्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी पड़ जाते हैं। तो जब आप कोकोनट ऑयल से अपनी आँखों का मसाज करते हो तो दिनों में आपके जो फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, वो प्रिवेंट होते हैं, आपके डार्क सर्कल्स भी रिमूव हो जाते हैं। चैप्ड लिप्स के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है। डिहाइड्रेशन की वजह से जो होंठों के ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो जाती है तो ये उसको मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है, और क्योंकि इसके अंदर लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो होंठों के जो डार्कनिंग होती है उसको भी रिमूव करता है।
कोकोनट ऑयल से अच्छा मॉइस्चराइजर कोई नहीं है। ये आपकी क्रैक्ड हील्स को रिपेयर करता है। हमारे जो हाथ बहुत ही ज़्यादा खुश्की का शिकार हो जाते हैं बर्तन धोने की वजह से या कपड़े धोने की वजह से, तो उनको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो कोकोनट ऑयल एक नेचुरल केमिकल फ्री मेकअप रिमूवर है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा क्लींस आउट भी करता है। ये आपकी स्किन को डीपेस्ट लेयर में जाके आपके पोर की क्लीनिंग करता है, अंदर से जो डर्ट है इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकाल बाहर फेंकता है। बहुत ही अच्छा क्लींजर है। बात फिर वही है कि आपको ये सारे बेनिफिट्स तभी हासिल हो सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो और उसके 100% रिजल्ट्स हो। मेरे पास यहाँ पे चिल्तन प्योर का कोकोनट ऑयल है जो कि 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है, कोल्ड प्रेस्ड है, अनरिफाइंड है और इसके रिजल्ट्स 100% हैं। सो गाइज, अगर आप इस कोकोनट ऑयल को बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। होपफुली कि आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा हो, आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।